bonds and bond rotation. Two groups bonded by one single bond can undergo rotation about that bond without with respect to each other. क्योंकि single bond के अंदर free rotation possible है. जो temporary molecular shape that result from rotation on single bond are called as conformation. और जो isomerism होगी उसको बोलेंगे conformation isomerism. ठीक है जी. और हर एक जो आपका एक time पे एक जो momentary structure बना उसको conformer बोलोगे. क्या बोलोगे? Each possible structure is called as conformer. ठीक है जी. एंड एनालिसिस ऑफ नेट, जब आप क्या करोगे, रोटेट करोगे, हर स्ट्रक्चर डिफरेंट बनेगा. ठीक है, जो डिफरेंट बन रहा है उसकी अपनी एनर्जी होगी. तो ठीक है, कैसे एनर्जी चेंज हो रही है, जैसे आप रोटेशन कर रहे हो, वो क्या होती है, कन्फर्मेशनल एनालिसिस. एंड एनालिसिस ऑफ एनर्जी चेंजेस दैट अकर एज मॉलिक्यूल अंडरगोस रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड एज कन्फर्मेशनल एनालिसिस. ठीक है, ठीक है, तीनों चीज़ें समझ लगी हैं. कन्फर्मेशन क्या होती है, कन्फर्मर क्या होता है, कन्फर्मेशनल एनालिसिस क्या होता है. ठीक है जी. आपको ये मैंने ये आपको बैच फॉर्मूला कराया था, ये भी 3D स्ट्रक्चर है. 100 हॉर्स भी करा दिया, ये भी 3D है. एक होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन. क्या होता है? न्यूमैन प्रोजेक्शन. ये भी तीसरा तरीका है 3D स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का. 100 हॉर्स फॉर्मूला है ना, उसको ये 100 हॉर्स है. ये कैसे रखना है, ये आपने सीधा रख दिया और आगे वाला जो फ्रंट वाला कार्बन उसको डॉट मान लिया और जो पीछे वाला कार्बन है उसको क्या मान लिया है, बड़ा सर्कल मान लिया. और ये जो बड़े सर्कल को जो एटम लगे हुए हैं, ये वाले जो एटम इसको लगे हुए थे वो बड़े सर्कल को लगे हुए हैं, जो फ्रंट वाले कार्बन को लगे हुए हैं वो ऐसे डंडियाँ दिखाई गई. ठीक है, ठीक है, बस यही है. 100 हॉर्स से बनता है मूवमेंट. क्लियर है या नहीं क्लियर है? बस फर्क क्या है कि आगे वाले कार्बन को डॉट मान लो, पीछे वाले कार्बन को सर्कल मान लो. दोनों ही 3D है. अब आपको क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड टू रिप्रेजेंट 3D स्ट्रक्चर. माने 100 हॉर्स, अदर इज मूवमेंट, तीसरा एक वेज, चौथा होता है फिशर प्रोजेक्शन. चौथा कौन सा होता है? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. चार तरीके हैं, आप लिख लेंगे. 100 हॉर्स, न्यूमैन, वेज एंड क्या बोलते हैं, फिशर. नॉन वेज नहीं, फिशर. ठीक है, कैसा नॉन वेज. ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो, द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट विद डायहेड्रल एंगल क्या होता है, कोई भी तीन एक प्लेन में चूज करो चौथा एटम दूसरे प्लेन में, उसको बोलते हैं डायहेड्रल एंगल. क्लियर है जी. द स्टैगर्ड डायहेड्रल एंगल बिटवीन द बॉन्ड एट ईच ऑफ द कार्बन बॉन्ड इज 180 डिग्री. मतलब ऑपोजिट होता है ना, स्टैगर्ड में कॉन्फिगरेशन क्या होती है, ऑपोजिट. तो एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा. ठीक है जी. एंड वेयर एटम्स ऑफ ग्रुप बॉन्डेड टू कार्बन एट ईच एंड ऑफ द कार्बन बॉन्ड्स आर फार पार्ट एज एंटी में ही हो गए ना, ऑपोजिट में ही जाएंगे. 180 डायड इज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज इंडिकेटेड. ये दिया हुआ है, ये देखो, ये इथेन का बनाया गया स्टैगर्ड. ये अगर एच ऊपर की तरफ है, ये वाला एच इसके बिल्कुल ऑपोजिट आ जाएगा, ये वाला एच इसके ऑपोजिट चला जाएगा, ये वाला एच इसके. ये क्या है जी, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ क्या है, इथेन. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ लग गई है. एक्लिप्स कन्फर्मेशन में डायहेड एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है जी. एक्लिप्स कन्फर्मेशन में डायहेड एंगल क्या हो जाएगा, जीरो को, क्यों, बिल्कुल पीछे होंगे. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है. हाँ नहीं, अगर आपने इथेन बनाया, आगे क्या होगा, एक इथेन मॉलिक्यूल देखना ना, हमने सारे एन नंबर अवोगाड्रो नंबर है, एक इथेन मॉलिक्यूल है, एच के पीछे एच ही आएगा, वो गया एक्लिप्स्ड. और डायहेड एंगल कितना हो गया, जीरो डिग्री. क्लियर है, ये भी क्वेश्चन आ जाए क्या कि एक्लिप्स्ड में कितना डायहेड एंगल होता है और स्टैगर्ड में कितना होता है. आपने करना है भाई साहब, आप ये देखो, ये एनर्जी डायग्राम, ये इधर रोटेशन. आपने रोटेट किया, पहले 60 डिग्री थी, आपने स्टैगर्ड थी, आपने 60 डिग्री पे रोटेट, आपने क्या करा, 180 पे रोटेट कर दिया. कितने पे रोटेट कर दिया, क्योंकि तो इसमें दो ही होंगी ना, स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स. इथेन में दो ही बनती हैं, स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स. ठीक है जी. रोटेट करोगे इसको, क्या करोगे, जब इसको 60 डिग्री पर रोटेट करोगे, ये एच इसके ऊपर आ जाएगा. सुन ले भाई, देख, ये देख, एक मिनट सुन लो. अगर मैं इसको 60 डिग्री पर रोटेट करता हूँ, ये एच इसके ऊपर आ जाएगा. एक पकड़ के रखना है, दूसरे को घुमाना है. ठीक है जी. अगर 60 डिग्री पर रोटेट करिए, ये इसके जरूरी थोड़ा इधर ही करना, इधर भी कर सकता हूँ. ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन करना चाहिए सेम. ठीक है ना, ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगा. और ये कहता है, अगर आप एनर्जी इधर लो, पोटेंशियल एनर्जी इधर लो और ये करो रोटेशन के एंगल से, स्टैगर्ड से एक्लिप्स बनेगा, एक्लिप्स से क्या बनेगा, स्टैगर्ड. और एक स्टैगर्ड और एक्लिप्स कन्फर्मेशन में कितना एनर्जी का फर्क होता है, 12 किलो जूल पर मोल. यानी कि ये इससे इसकी एक्लिप्स की ओवरलैप कर रहे हैं, उतनी एनर्जी बढ़ रही है.
जब जब रिपल्शन बढ़ती एनर्जी बढ़ती नहीं है तो ऐसे ग्राफ है स्टैग। अब आप बोलेंगे इस कर्व के ऊपर स्टैगर्ड कन्फर्मेशन कहाँ होगी, एक्लिप्स कहाँ होगी, एक्लिप्स टॉप पे होगी और स्टैगर्ड वेल्स पे होगी, और एक एक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच में क्या 12 किलो जौल पर मोल का फर्क है, और इतनी एनर्जी तो आपको रूम टेम्परेचर से मिल जाती है, इसलिए ये एक एक्लिप्स स्टैगर्ड चलता ही रहती है। देखो एक्लिप्स बना, फिर से क्या बन गया स्टैगर्ड, फिर से एक्लिप्स स्टैगर्ड, ऐसा चलता ही रहता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है कि नहीं ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ब्यूटेन की दिखा देते हैं आपको। ब्यूटेन में कन्फर्मेशन एनालिसिस किसकी कर रहे हैं हम, ब्यूटेन की कर रहे हैं, ठीक है जी। अब ये एंटी कन्फर्मेशन, एंटी में का तो ऑपोजिट होता है, ये सी एच, ये आपका सेंटर वाले दो कार्बन उठा लिए अपने, कार्बन नंबर दो और कार्बन नंबर तीन, ये पहला कार्बन हो गया, ये कौन सा हो गया, चौथा कार्बन हो गया, ठीक है जी। ब्यूटेन यही होता ना, सी एच टू, सी एच टू सेंटर में और सी एच थ्री साइड्स में, तो वही है अपने वही इथेन वाला उठाया, इथेन में एक एच की जगह लगा दिया है सी एच थ्री लगा दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लग गई है। तो हमने स्टार्टिंग करी है एक्लिप्स कन्फर्मेशन से, किससे स्टार्टिंग करी है, एक्लिप्स से। अब आपने इसको 60 डिग्री पर रोटेट करना है, ये एंटी सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होगी क्योंकि रिपल्शन मिनिमम होगी। आपने 60 डिग्री पर रोटेट करा, आपने पीछे वाले को होल्ड रखा हुआ, देखो सी एच थ्री पीछे वाला वहीं पे है, ये ब्लू बॉन्ड ही रोटेट कर रहे हैं ना, इसमें और इसमें देखो सी एच थ्री यहीं पर था, ये एच इधर रोटेट कर दूँ तो इसके ऊपर आ जाएगा, यही हो जाएगा ना, तो ये एच किसके ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर, और ये एच किसके ऊपर, ये एच इधर, ये सी एच थ्री किसके ऊपर चला जाएगा इधर, ठीक है ना। अब उसने कैसे किस किसको आगे वाला बॉन्ड रोटेट करा, पीछे वाला बॉन्ड उसने पकड़ के रखा हुआ है, ये सी एच थ्री उसने इधर भेज दिया, ये एच इधर भेज दिया, ये एच इधर भेज दिया, यही होगा ना। ये क्या है, ये भी एक्लिप्स कन्फर्मेशन है, ये पूरी तरह एक्लिप्स्ड है कि पार्शली एक्लिप्स्ड है, हाँ भाई ये पूरी तरह एक्लिप्स्ड है कि पार्शली एक्लिप्स्ड है, पार्शली क्यों, क्योंकि सी एच थ्री सी एच थ्री के ऊपर नहीं आया, सी एच थ्री के ऊपर एच आ रहा है, ये सी एच थ्री के ऊपर क्या आया एच, सी एच थ्री के ऊपर पीछे क्या है एच, ये क्या है देखो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, सी एच थ्री के पीछे क्या है सी, ये फुल्ली एक्लिप्स कन्फर्मेशन है, ये भी एक्लिप्स्ड है, ये भी एक्लिप्स्ड है, पर ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगी, इस वाले के पास, ठीक है ना, ये पार्शली एक्लिप्स्ड है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये भी एक्लिप्स्ड है, ये अब एनर्जी सिमिलर नहीं होगी, इसकी एनर्जी कुछ और होगी, इसकी एनर्जी कुछ और होगी, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, कभी बीच वाली वेल भी बनेगी, फिर उससे ऊपर वाली वेल भी बनेगी, ठीक है नहीं, ठीक है जी। अब इसको घुमाया, अब इसको घुमाया, अब थोड़ा सा घुमाया, अब और 60 डिग्री पे घुमाया, इसको उधर ले आए, अब ये सी एच थ्री, सी एच थ्री के पास में आ गया, देख रहा है कि नहीं देख रहा, ऊपर नहीं आया, ये जिसके बीच में आ गया, ये आ गया, ठीक है जी। इसमें अब ये कौन सी है, गॉश कन्फर्मेशन, क्या है जी इसकी, सबसे सबसे मेरी सुन लो, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, एंटी वाले की, फिर इसकी आ जाएगी, फिर इसकी आ जाएगी, इसकी और इसकी बराबर होगी, थर्ड और फिफ्थ की बराबर होगी, क्योंकि ये भी गॉश है, ये भी क्या है, गॉश, ठीक है जी। थर्ड और फिफ्थ की एनर्जी बराबर होगी, सेकंड और सिक्स्थ की एनर्जी बराबर होगी, फोर्थ की एनर्जी लोएस्ट होगी, हाईएस्ट होगी, और फिफ्थ फर्स्ट की क्या होगी, हाई लोएस्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आप देखिए डायग्राम, हाँ भाई वो एंगल डायहेड्रल एंगल अभी देख लेते, ठीक है जी, समझ लग गई है आपको, पता लग गया ना, इसका और इसका एनर्जी बराबर होगा, आपको पता लग गया इसका और इसका एनर्जी बराबर होगा, क्योंकि फुली क्लिप्स नहीं है, पार्शली क्लिप्स है, ये फुली क्लिप्स है, और ये इसका लोएस्ट, इसका इसका लोएस्ट, इसका हाईएस्ट। अब इसका क्या आ जाएगा, इसका इससे सेकेंड और फोर्थ की सिक्स की एनर्जी इससे और इससे क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी समझ लग गई है, एक्लिप्स की एनर्जी तो ज़्यादा ही होने वाली है ना, ठीक है जी। सबसे लो एनर्जी किसकी आई, स्टैगर्ड की, स्टैगर्ड के पास किसकी आ जाएगी, गॉश की, गॉश के बाद किसकी आ जाएगी, पार्शली एक्लिप्स की, पार्शली एक्लिप्स के बाद किसकी आ जाएगी, एक्लिप्स, यही होगा ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखते हैं क्या डायग्राम ऐसे ही वेव मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देख लो, स्टार्ट किया स्टैगर्ड से, मूव कर रहे थे, ये बना था, इसमें और इसमें एनर्जी का कितना फर्क है, एक स्टैगर्ड में और पार्शली क्लिप्स में कितना फर्क होता है, 16 किलो जूल्स का, हाँ सर क्या क्वेश्चन, ठीक है ना, इसीलिए डायग्राम उठा लिया जाएगा, कौन बनाई इतनी स्ट्रक्चर, ठीक है जी, टाइम भी कम लगेगा। अब पार्शली क्लिप्स से आए गॉश बननी थी, गॉश की, गॉश में और स्टैगर्ड में कितना फर्क है, 3.8, ये गॉश की है ना, ये स्टैगर्ड की यहाँ पर आती है ना उसकी, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 3.8, ये भी गॉश का कितना फर्क है, 3.8, ये दूसरी पार्शली क्लिप्स थी इसका कितना आया, नहीं ये दूसरी पार्शली क्लिप्स है इसका कितना आया, 16 किलो जाओ, ये तुम्हारी फुली क्लिप्स है 19, यही होगा ना, तो वैसे ही बन रहा है, फिर से पूरा 360 रोटेट कर दिया, जो स्टार्टिंग स्ट्रक्चर था वही बन गया, बन गया कि नहीं बन गया,
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बन जाएगा डायग्राम, ठीक है ना? 60-60 पर रोटेट करना औखा है, बहुत औखा है। ये है कंफर्मेशनल एनालिसिस, ठीक है जी? समझ लग गई है? एक मिनट रुक जाओ। ये जो एंटी है ना, एंट्स को एंटी पेरीप्लेनर बोलते हैं। पेरीप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में आई, ये तीनों एक प्लेन में ही है ना, एंटी है तो एंटी पेरीप्लेनर बोल देते हैं, ठीक है जी? प्लेन पेरी मतलब सेम प्लेन, ठीक है जी, बट एंटी कंफिगर। इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लिनिकल। ये जो आपकी क्या थी, ये कौन सी कंफर्मेशन हो गई? ये एक्लिप्स जो पार्शली एक्लिप्स, पार्शली एक्लिप्स को एंटी क्लिनिकल भी बोलते हैं। कल को नाम आ जाए ना दूसरा, फिर कहोगे नहीं कराए एंटी क्लिनिक, एंटी क्लिनिकल। गॉश तो कराई थी, गॉश का दूसरा नाम क्या था? सिन क्लिनिकल। क्या बोलते हैं इसको? सिन क्लिनिकल। और जो आपका पूरी फुली एक्लिप्स होती है उसको उसको बोलते हैं सिन पेरी प्लेनर। पेरी प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में है, ठीक है जी? स्टैगर्ड का दूसरा नाम क्या है? एक्लिप्स का दूसरा नाम क्या है, ठीक है जी? पासी एक्लिप्स का दूसरा नाम एंटी क्लिनिकल है, और गॉश का नाम सिंह क्लिनिकल। आगे बता रहे, नाम पहले याद कर लो। और मैंने पढ़ना पड़ना है बच्चों, ठीक है जी? गॉल सिन पेरीप्लेनर एंटी क्लिनिकल सिन क्लिनिकल। क्लिनिकल मतलब क्या होगा भाई साहब? एक ही प्लेन में लगा हुआ है। मैं प्लेन में तो पेरीप्लेनर होता है, प्लेन मतलब पेरीप्लेनर होता है। देख लेंगे वर्ड क्या था, मेरे को भूल गया। मेरे को नहीं, नेट नहीं करना, मैं किताब जी पढ़ना है, ठीक है जी? अब इसका एंगल देख लेते हैं, जो मेन क्वेश्चन क्या था, ठीक है? करेंगे कल साइक्लोएक्सियन की।